हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल संत दुर्ग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं दुर्ग में और दुर्ग में खुला है नया फूड पार्क। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है आई लव फूड पार्क। और ये फूड पार्क है फुलगांव चौक से, आप नांदगांव जाओगे तो फुलगांव चौक से जो ओवरब्रिज पड़ता है उससे पहले है ये फूड पार्क, राइट साइड में या वृंदावन के पास में ही है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को फूड पार्क घुमाता हूँ और पूरा दिखलाता हूँ यहाँ पर क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हैं। और साथ ही यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी है, आप गेमिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। तो बने रहे मेरे चैनल पे, कंटिन्यू वॉच करें। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अंदर फूड पार्क में और आपको पूरा दिखलाते हैं दुर्ग का फूड पार्क। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आई लव फूड पार्क और ये कुछ इस तरह है फूड पार्क बना हुआ। और सामने में आपको मिल जाएगा पार्किंग, ये देखिए। और आज अच्छी खासी भीड़ भी है और ये अभी नया ओपन हुआ है तो यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर फूड इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बच्चों के लिए गेमिंग भी मिल जाएगा। ये देखिए फूड पार्क, और ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ पर है कैश काउंटर और ये कुछ अंदर का इस प्रकार नज़ारा है। और यहाँ पर आपको सभी प्रकार के स्टॉल मिल जाएंगे, साउथ किचन और वो पिज़्ज़ा है, जूस क्लब है और पिज़्ज़ा आइटम भी बहुत सारे हैं, पाव भाजी है, छोले कुलचे मिल जाएगा आपको और गुपचुप आइटम, चाय भी है। तो और उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे, उस तरह बच्चों का गेम जोन है, हाँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखला दूँगा। तो गाइस, ये है कैश काउंटर और कैश काउंटर में आपको यहाँ पर एक कार्ड बनवाना पड़ता है। ये कार्ड आपको 100 रुपये से लेकर 3000 के बीच में आप एक कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड से आप किसी भी शॉप में जाके कुछ भी खा पी सकते हो या आप वहां पर गेम भी खेल सकते हो। और इस कार्ड की वैलिडिटी रहेगी आपको 6 मंथ की। 6 मंथ के अंदर आपको उस पैसे को खर्च करना है यहां पर खा पी के। तो ये भी एक अच्छा है, तो आप चाहे तो 200, 300, 500 का जितना का भी हो आप कार्ड एक देंगे और रिचार्ज करा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी स्टॉल में जाके आप खाओगे और उस कार्ड को दोगे तो वो उस कार्ड को स्क्रैच करेंगे, फिर वो उसके हिसाब से उनका जो खाने का बिल है वो माइनस होते जाएगा। और अगर आपका कार्ड ख़त्म हो जाता है तो आप फिर से उसको रिचार्ज करा सकते हो। और वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर आपको ख़त्म करना है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पर है केक की शॉप है पूरी, यहाँ पर आपको चॉकलेट केक और केक मिल जाएंगे यहाँ। और ये क्या की शॉप है, अभी तो ये खाली है काउंटर। और ये है पाव भाजी का, और मैं आप लोगों को रेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रेट कम ज़्यादा ऊपर नीचे अपने हिसाब से होता रहता है। तो आपको जो शॉप में आना है वहाँ पर आप जाएं और अपना कार्ड रिचार्ज करा के खा सकते हैं। यहाँ पर है चाट वाले, चाट हाउस, पापड़ी और चाट। और पीछे गेम जोन है तो अपन वहाँ भी चलेंगे थोड़ी देर में। बच्चों के लिए बनाया गया गेम जोन बहुत ही अच्छा है। और आप उस तरफ भी देख सकते हो, बहुत सारे आइसक्रीम की दुकानें हैं और वहाँ पर भी सिंह जी के छोले कुलचे भी हैं, पिज़्ज़ा का भी है। यहाँ पर है पान की दुकान, आप यहाँ पर आके पान भी खा सकते हो। तो दोस्तों, ये देखो पीछे है गेम जोन बच्चों लोग के लिए, तो वहाँ चलते हैं अपन और गेम जोन में दिखलाता हूँ कि क्या क्या गेम है बच्चों लोग के खेलने के लिए। तो चलिए फिर वहाँ चलते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चे लोग मस्त खेल रहे हैं गेम जोन में। और आप यहाँ सजावट देख सकते हो, बहुत ही प्यारा अच्छी तरीके से सजाया गया यहाँ पर। ये शायद यहाँ पर हॉल एक बड़ा सा पार्टी लॉन बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप कुछ बच्चे का बर्थडे या कुछ
कुछ भी फंक्शन करना चाहते हो आप तो यहाँ पर कर सकते हो। बड़ा सा हॉल है और इस तरफ भी स्पेस है बड़ा सा। यहाँ पर भी आप अपना गैदरिंग या पार्टी या मीटिंग ऑफिस ही कुछ भी कर सकते हो। पीछे आपको हॉल भी मिलेगा, ये देखिए पीछे हॉल है। यहाँ पर आप इंगेजमेंट भी की पार्टी कर सकते हो, बर्थडे ये सब। क्या बर्थडे वर्डे पार्टी के लिए देते हो क्या? ये वाला ना, और ये वाला भी तैयार हो रहा है मतलब ना, हाँ बर्थडे पार्टी के लिए। ये भी वैसी है हॉल? अच्छा किचन है, ओके। ये देखिए अभी ये तैयार हो रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है। ये आप अच्छा है बर्थडे पार्टियों के लिए है ना, इंगेजमेंट भी कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। चलिए गेम वाले में चलते हैं, पहले जूता चप्पल खोल लेते हैं यहाँ पे। आ चुके हैं हम लोग गेमिंग वाले में और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी वीडियो गेम भी है बच्चों के छोटे छोटे। वहाँ पर बाइक वाला है, कार रेस है, ये हॉकी। ये देखिए बच्चे लोग मस्त बाइक चला रहे हैं बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर गेम के लिए वो फूड वाला कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको काउंटर में कैश देना पड़ेगा और भैया एक कॉइन देंगे हम लोग को 40 रुपये के एक कॉइन, और आप उस कॉइन को डाल के वहाँ पर जितना मिनट का भी गेम का टाइमिंग होगा उतना देर खेल सकते हो आप। ये क्या है? कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी शॉप। और यहाँ पर भी है केक शॉप, केक पेटिस, सैंडविच, ओके। और ये क्या है? तंदूरी चॉप, ठीक। और यहाँ पर है ये सोडा सेंटर, जूस, यहाँ पर आप जूस पी सकते हो बढ़िया। और लास्ट में आपको मिलेगा डोसा वाला साउथ इंडियन। ये है पिज़्ज़ा और ये है साउथ इंडियन डोसा सेंटर। तो चलिए गाइस अब हम लोग निकलते हैं बाहर। आप लोग फूड प्लाजा घूमना चाहते हो तो आ सकते हो, ये दुर्ग में ही है हाईवे के पास, फुलगांव से नांदगांव जाने वाले रोड में पड़ता है। तो दोस्तों मैं आज का ब्लॉग अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।